अब कहने के लिए तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साले हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे। हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्सअप डॉग ऐसे बात नहीं करते हैं। क्या भौंक रहा है तेरा लंडा आजकल, है ऐसे गले मिलते हैं। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है, और वो है इंजीनियरिंग। सब ये कहते थे, माँ बाप, टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी, भाग बेंचो, तुमको क्या करना है। इसलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरों की तरह, मैं IIT, मैं NIT। अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। आई डिड नॉट चूज दिस इंजीनियरिंग लाइफ सर, एंड नीदर डिड दिस इंजीनियरिंग लाइफ चूज मी। इट वॉज शव डाउन माई थ्रोट बाई माई टीचर्स वाइल माई हैंड्स वर टाइड टू माई बैक बाई माई फ्रेंड्स एंड माई पेरेंट्स वॉच्ड इन साइलेंस। और इंग्लिश सुनेगा तू मादरचोद तो सुन, 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए, ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और 2 साल बाद जब यहां पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीक